नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैंने एक वीडियो डाला है अनवांटेड 72 टैबलेट के ऊपर, तो उसमें काफ़ी लोगों को बहुत कुछ कन्फ्यूजन है, बहुत कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है। तो काफ़ी कमेंट आए थे कि मैम ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आई थॉट कि एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मोस्ट कॉमन या मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस होते हैं उसके मैं आंसर्स दे दूँ, ताकि बाकी भी जो व्यूवर्स होंगे उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाएगा और उन्हें बार बार क्वेश्चंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आज मैं 5 क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाली हूँ जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड काफ़ी डाउट भी होते हैं लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। वन बाय वन मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और उसके आंसर दूँगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। द फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन कि इसे लेना कब होता है। तो जब भी आप अपने पार्टनर के साथ अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट में आते हैं तो विद इन 48 आवर्स आपको इसे लेना होता है। जितने जल्दी आप इसे लेंगे उतना अच्छा और उतना इफ़ेक्टिव वो काम करता है। तो पॉसिबिलिटी आप रखिए कि आप जल्द से जल्द इस टैबलेट को लें। मैक्स टू मैक्स आप 72 आवर्स के अंदर आपको लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ यू नो इसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि आपको इस टैबलेट का या फिर इन टाइप के टैबलेट्स का इस्तेमाल अनसेफ पीरियड के टाइम ही करना चाहिए। अब आप अनसेफ पीरियड क्या है और सेफ पीरियड क्या है उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप अनसेफ पीरियड में इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप सेफ पीरियड में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ की आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप अननेसेसरी टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और रिस्क फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आपके साइकिल डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, सो एंड सो। तो बेसिक आंसर है कि आपको विद इन 48 आवर्स लेना है व्हेन यू हैव अनप्रोटेक्टेड सेक्स विद योर पार्टनर। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आई बटन में आपको दिख रहा होगा सेफ और अनसेफ पीरियड कौन से हैं। तो अगर आप इसे अनसेफ पीरियड में इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ कि क्या हम इसे फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंसर है नो। जैसे कि ये एक एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो इसे आपको इन एन एमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल करना है, यानी कि रेयरली इस्तेमाल करना है। अब क्यों आपको रेयरली इस्तेमाल करना है, भाई हमारा पैसा है, हमारी मर्ज़ी। बट बींग अ डॉक्टर हम इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके 3 से 4 नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो अफेक्ट होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, काफ़ी सारे जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपका नॉर्मल साइकिल आने में मैक्स टू मैक्स 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो इतना टेंशन क्यों लेना है ना, और हर बार क्यों लेना है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक इट रेयरली रैदर देन फ्रिक्वेंटली। आई होप यू गॉट द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज़ काफ़ी लोग ये टैबलेट लेते हैं और उनको कुछ ब्लीडिंग दिखाई देती है, कुछ स्पॉटिंग फॉर्म में दिखाई देता है, किसी किसी को अच्छा फ्लो होता है 2nd, 3rd, 4th अप टू 10 डेज। तो वो घबरा जाते हैं पेशेंट्स और पूछते हैं कि मैम टैबलेट लेने के बाद मुझे 2nd डे पे स्पॉटिंग हुआ या 4th, 6th, 10th डे पे स्पॉटिंग हुआ, तो 2 दिन आया और गायब हो गया, तो ये क्या था, या फिर ये मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था या फिर कुछ और था। तो इसे कहते हैं विड्रॉल ब्लीडिंग, जो कि टैबलेट लेने के बाद आता है। ये आपको 2nd डे पे आ सकता है, अप टू 10 डेज में कभी भी आ सकता है। तो ये एक नॉर्मल स्पॉटिंग होता है ब्लड का, एंड दिस इज़ नॉर्मल। यहाँ पे कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर इसका फ्लो अच्छा है तो ये भी इंश्योर कर देता है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, बट स्टिल आपको नॉर्मल साइकिल के लिए स्टिल वेट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट कब आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, पहले आपको विड्रॉल ब्लीडिंग, विड्रॉल सिम्टम्स कुछ दिखाई देंगे, वो आपके नॉर्मल साइकिल नहीं है। आपको उसके बाद भी 4 to 6 weeks तक वेट करना है फॉर अ नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। नो मैटर आपको विड्रॉल ब्लीडिंग आती है या नहीं आती है, फिर भी आपको 4 to 6 weeks तक वेट करना ही पड़ेगा। अगेन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि अगर 4 to 6 weeks के बाद पीरियड नहीं आया या कोई भी स्पॉटिंग नहीं हुआ
या कोई भी विड्रॉल ब्लीडिंग नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो ऐसे सिचुएशन में आपको यूपीटी टेस्ट करना है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करके देखना है, मेक श्योर कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। एंड इन केस आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप अपने नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाएं। आई होप मैंने आपके मोस्ट कॉमनली जो या फिर मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर दिए हैं। और अगर फिर भी अभी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, कोई कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछें। आई विल ट्राई कि मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँ, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँ। और वीडियो ऐसे ही देखते रहें, उसे लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।